आप देख रहे हैं 30 खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सोहागी थाना पुलिस के लिए चोर इन दिनों चुनौती बने हुए हैं। थाना क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पचामा में संचालित 5 दुकानों पर बीती देर रात अज्ञात चोरों ने एक साथ ताला चटकाया और नकदी सहित हजारों के सामान पार कर दिए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। हम आपको बता दें, इन दिनों त्योथर नगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती देर रात त्योथर के तहसील मुख्यालय पचामा में एसडीएम व एसडीओपी बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित 5 दुकानों पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें होटल का ताला तोड़कर गले में रखे 6500 रुपए नकदी व लगभग 40,000 का सामान व बगल में ही संचालित किराना दुकान से 2500 रुपए नकदी सहित लगभग 25,000 का किराना का सामान चोरों ने पार कर दिया है। एक रात में 5 दुकानों में हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। हम आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व ही त्योथर के वार्ड क्रमांक 4 में चोरों द्वारा चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। व्यापारियों द्वारा सोहागी थाना में चोरी की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि चोरों के हौसले कब तक बुलंद रहते हैं या फिर पुलिस अज्ञात चोरों को गिरवा तक पहुंच पाती है या नहीं। भेजा होगा क्या नाम है आपका? बुध सिंह गुप्ता। कौन सा स्थान ये है? पचामा। क्या हुआ है आपके साथ? चोरी हुई है। लगभग कितने की चोरी हुई? 40-50 हजार के लगभग हुई। नकदी कितना गया आपका? 6,500 रुपए। और बाकी दुकान का सामान चोरी हुआ? जी। तो रात कितने दुकान वाले चोरी की बात है? अब हम तो 10 बजे के बाद चले जाते हैं घर। अब इसी की माने जो बात होगी 1 बजे की लगभग की 2 बजे के लगभग। पुलिस द्वारा कभी रात में गश्त वगैरह की जाती है? नहीं, कभी गश्त नहीं। नहीं नहीं। तो पुलिस में सूचना दे दिया आपने? दे दिया साहब। क्या बोले पुलिस वाले? बोले कि आप चलिए, अभी 1 घंटे बाद हम आते हैं। अभी तक कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं पहुँचे अधिकारी को? नहीं नहीं। रिपोर्ट किए हो, कितने घंटे हो गए आपको? 2 घंटे हो गए साहब। 2 घंटे में अभी तक कोई नहीं आया? नहीं।